बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। मंडे मॉर्निंग आपको पता है मेरे लिए एक्स्ट्रा एक्साइटिंग होती है क्योंकि आप लोगों से वीकेंड के बाद मुलाकात होती है। बेस्ट ऑफ तो आप देखते हैं, लेकिन बेस्ट बेस्ट तो वो होता है जब आपसे सुबह सुबह मुलाकात होती है। वीकेंड गुजर गया, आई होप कि आपका वीकेंड खुशगवार गुजरा होगा, आपने अपने आप को भी टाइम दिया होगा और अपनों को भी वक्त दिया होगा और कुछ हल्ला गुल्ला करने का भी मौका मिला होगा। व्यूअर्स, वीकेंड पे हमारी टीम भी डिस्कशन कर रही थी और कुछ ऐसे लोग जिनके साथ मैं बहुत रेगुलरली काम करती हूँ, जिनको आप अपने कॉलीग्स भी कह सकते हैं, उनके साथ भी मैंने बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा और हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुई। वो डिस्कशन इस चीज़ पे हुई कि आजकल जो हम बीमारियाँ देखते हैं, जो हम मसाइल देखते हैं, जो इश्यूज हम देखते हैं लोगों के अंदर, जैसे कि बहुत से लोग बीमार हैं, बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा। खान साहब ने भी इस बात के ऊपर काफ़ी तबसरा किया था शुरू शुरू में कि भाई बच्चों की हाइट क्यों नहीं निकलती, हम इतने कद में क्यों छोटे रह रहे हैं। ये सब चीज़ें एक इंडिकेशन है, जिनका वेट बढ़ रहा है वो बढ़ता ही चला जा रहा है और जो पतले हैं वो इतने पतले हैं कि बाकायदा वो स्किन एंड बोन्स वाला मसला है। खुराक में मसला है क्या, वो चीज़ें जो हम लगा रहे हैं उसमें मसला है क्या, प्रॉब्लम है। लोग सप्लीमेंट्स ले लेके अपना गुजारा चलाते हैं, सप्लीमेंट्स से मुराद मल्टीविटामिंस और ये सारी चीज़ें, लेकिन व्यूअर्स मदर नेचर ने हमारे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में नेचुरल इतनी चीज़ें हैं कि अगर हम उनका इस्तेमाल करना शुरू करें तो हमें बीमारियां भी नहीं होंगी और बहुत से मसाइल से हम बच जाएंगे। व्यूअर्स देखें, कोविड, डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, मतलब एक लिस्ट है जो सिर्फ आजकल, मैं पूरे साल की नहीं बात करी, सिर्फ आजकल के मसाइल की बात कर रही हूँ। ये जो इस टाइम स्मॉग, ये स्मॉग कोई इंसान ने तो नहीं क्रिएट, ये कोई अल्लाह ताला ने तो नहीं क्रिएट की, ये आपकी और मेरी एक एरर है, एक मिस्टेक है। सो व्यूअर्स, माई रिक्वेस्ट टू यू इज के नेचुरल की तरफ जाए। अब हम अपने हर्बल प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन एक और चीज़ का जो हमें एहसास हुआ वीकेंड पे कि कभी हमने ये बात नहीं की कि हर्बल और ऑर्गेनिक आखिर है क्या, और इतना ज़्यादा ये तो फतूर चला हुआ है हर्बल एंड ऑर्गेनिक। हर्बल एंड ऑर्गेनिक व्यूअर्स वो देसी चीज़ें हैं जो हम करते आ रहे हैं अरसा अजल से, लेकिन कहीं बीच में आके हमें लगा कि एलोपैथिक मेडिसिन भी बहुत बेहतर है, उसके अलावा हर चीज़ में केमिकल डाल दो, प्रिजर्वेटिव डाल दो। मैं आपको एक अजीब सा फैक्ट बताती हूँ व्यूअर्स, जो पढ़ के मैं भी कुछ हिल सी गई और मैं बड़ी दफ़ा ये डिफरेंट फोरम्स पे शेयर भी कर चुकी हूँ, स्पेशली जब मुझे टॉक्स के लिए बुलाया जाता है, कि हम जिस दुनिया में अब रहते हैं वहाँ पे आपको पता है कि जब इंसान की डेथ हो जाती है, जब उस दुनिया से चला जाता है, रुखसत हो जाता है, तो हमारा जो जिस्म होता है हम उसको ज़मीन के नीचे दफना देते हैं, राइट? ये जो एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो पहले जिस्म को की मतलब कितना हड्डियों को गलने में और खाल वगैरह, ये एक नॉन नेचुरल प्रोसेस है, तो वो कुछ ही अरसे में हो जाता था। अब 100-100 साल तक आपकी बॉडी जो है वो मिट्टी का हिस्सा नहीं बनती। क्यों? क्योंकि वो जो केमिकल और प्रिजर्वेटिव आप लोग खा रहे हैं वो आपके सिस्टम में जाके जमता जा रहा है, तो जब आपको दफनाया जाता है तो वो फिर आपके सिस्टम में रह जाते हैं, और जब आपकी मतलब कीड़े वगैरह डिसइंटीग्रेट होने वाला जो सिस्टम होता है वो आपका नॉर्मल और नेचुरल तरीके से होता ही नहीं है। आप सोचें कि हम कितनी ऑड और अजीब चीज़ें अपनी मर्जी से जानते हुए या ना जानते हुए करते हैं। तो आज हमने एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को बुलाया व्यूअर्स, वो लोग नहीं जिन्होंने पैसे कमाने के लिए इस फील्ड की तरफ अपना रुझान किया, लेकिन उन लोगों को बुलाया जो हेल्थ, फिटनेस, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तरफ अपने आप को गामजन कर चुके हैं, जिन लोगों की मैं बड़ी रिस्पेक्ट और रिगार्ड करती हूँ। सबसे पहले मैं सेट पे बुलाना चाहूँगी एक ऐसी पर्सनालिटी को जो मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं और मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, अगर मैं कहूँ कि मेरी फैमिली है तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। वैसे तो आप एक सर्टिफाइड अरोमा थेरेपिस्ट हैं, CEO हैं ऑफ चिल्टन प्योर, ही इज़ ऑल्सो माय पार्टनर, यानी कि ही इज़ ऑल्सो CEO एंड आई एम ऑल्सो LMNOP ऑफ नूर बाय जुगन काजिम। ये वो शख्स हैं जिनको मैंने फ़ोन करके कहा कि नजम साहब, मैंने आपकी बहुत तारीफ़ सुनी है कि आप बहुत अच्छे और नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं और मैं ख़ुद आपके प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, मैं एक लाइन लॉन्च करना चाहती हूँ जिसमें नेचुरल चीज़ें हों, जिसमें कोई केमिकल्स ना हों। तो कह सकते थे कि भाई आप कौन है या क्या है आपको प्रॉब्लम, लेकिन इन्होंने कहा कि मुलाकात करते हैं, मीटिंग करते हैं। उस वक्त मैं ख़ुद अपने एक प्रेगनेंसी के और बड़े मुश्किल फेज से गुजर रही थी, घर आए, इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत दी। तो आज, और बाय द वे अ वेरी वेरी यंग पर्सन, मेरे से कोई 10 साल छोटे हैं एज में बाय द वे, और हार्ड वर्किंग एंटरप्रेन्योर नजम मजारी से मैं आपको मिलाना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम नजम साहब।
बहुत सी तालियों आपका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए प्लीज बैठिए। अच्छा नजम साहब से तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक पार्टनर इन क्राइम मेरे जिनसे अक्सर मैं गपशप लगाती हूँ और मैं झगड़ा भी करती हूँ कि मुझे ये भी बना के दें और मुझे वो भी बना के दें, अपने भी प्रोडक्ट्स हैं लेकिन इनके प्रोडक्ट्स की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। बिकॉज जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ उन्होंने शेयर किया कि अगर आपने घर पे बनाना है डेंगू या मलेरिया से बचने के लिए मॉस्कीटो रिपेलेंट, तो इन्होंने एक इतना अमेजिंग बना के भेजा कि मैंने ये पूरा टाइम जो है मॉस्कीटोज़ वाला गुजारा इनके प्रोडक्ट्स लगा के। आप इनको जानते हैं एज अ ब्यूटी एक्सपर्ट एंड ऑफ कोर्स एज अ हर्बलिस्ट एंड एंड ऑर्गेनिक फैन। डॉक्टर फैसल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम वालेकुम भैया, आइए प्लीज बैठिए। मैंने कहा ना कि आज पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं व्यूअर्स, एंड देन ऑफ कोर्स दिस ब्यूटीफुल यंग लेडी जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं। मैं तो कहती हूँ कि भी तुम मॉडलिंग की तरफ भी आ जाओ, बात नहीं मानती, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है, एंड अगर कहूँ कि लाइफस्टाइल कोच हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। आज इनसे स्पेसिफिकली हम वेट लॉस पे डिस्कशन करेंगे और ऑर्गेनिक वर्सेस केमिकल या जो भी प्रोसेस फूड्स हैं उनमें क्या फ़र्क है। इनका अपना भी बहुत ही पॉपुलर और सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल है, डिफरेंट चैनल्स पे, डिफरेंट फोरम्स पे ये बैठती हैं। शी रियली इज़ एन एक्सपर्ट इन एवरीथिंग रिलेटेड टू फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। डॉक्टर आयशा नासिर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। माय बेबी, आजा मॉडलिंग की तरफ, इतनी खूबसूरत कपड़े पहनती हूँ। एंड देन फाइनली लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, माय लिटिल ब्रदर जो कद में मेरे से बहुत बड़ा है और उससे भी बड़ा उसका दिल है, मतलब एवरीबडी नोज हिम, अ वेरी वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन आल्सो नाउ। बहुत ही इनकी अमेजिंग बेकरी है बेकोलॉजिस्ट, जहाँ पे आप हर किस्म की जो है मीठी और नमकीन चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे तो हर ओकेजन पे इन्हीं की चीज़ें बनती है, बल्कि हम सब की बात कर रही हूँ शेफ हमजा शेख की। अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much for having me. वालेकुम अस्सलाम। छोटे भाई को तो ऐसे वाला प्यार कर सकते हैं। आ जाइए, आप भी बैठ जाइए। चीजें हम बनाएंगे आराम से, मगर वो सब कुछ होगा। और बाय द वे आज मैं खुद आपको डिफरेंट चीजें बनानी सिखाऊंगी फिजिकली, जिस तरह मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बनाती हूँ, आज मैं लाइव आपको बना के दिखाऊंगी कि हमारे प्रोडक्ट्स बनते कैसे हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डिस्कशन अल्टीमेटली यही चल रही है कि व्हाट इज अल्टीमेटली हमारा, सॉरी व्यूअर्स, कुछ मेरा फ़ोन जो है वो अजीब हरकतें कर रहा है, उसको मैं कहीं ठूस देती हूँ। अच्छा, सो ये बात हो रही है कि आखिर ऑर्गेनिक होता क्या है। सो नजम साहब, अगर हमें ये गाइड करें कि व्हाट इज ऑर्गेनिक एट द एंड ऑफ द डे, ऑर्गेनिक है क्या? जी देखें, सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं कि जब भी किसी क्रॉप की प्रोडक्शन होती है, फार्मिंग होती है, जब भी किसान अपनी प्रोडक्शन कर रहा होता है, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसने कोई भी जो है जो खाद है वो इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद होता है कि जब वो आपकी फसल बड़ी हो जाती है, उसके बाद उसके ऊपर आपने कोई स्प्रे नहीं करना। अच्छा, लोग कहते हैं अगर खाद नहीं इस्तेमाल करेंगे, स्प्रे नहीं करेंगे, तो किस तरह वो जो उसके ऊपर जो चीज़ें आती हैं उसको कैसे उसे बचाएंगे और प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप खाद इस्तेमाल करें तो आप ऑर्गेनिक जो है खाद उसका आप इस्तेमाल करें। अब ऑर्गेनिक खाद के अंदर और भी मतलब काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे मुरिंगा है, उसकी भी एक खाद बनती है क्योंकि उसमें न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको एज ए खाद के तौर पर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, स्प्रे के तौर पर क्या इस्तेमाल करें, स्प्रे के ऊपर नीम का एक स्प्रे बनता है, मुरिंगा भी होता है उसमें और करेला भी होता है और नीम भी होता है, इसका पानी के साथ डाइल्यूट करके इसका एक स्प्रे बना जाता है। तो आप अपने अगर कीड़ों से बचाना है फसल को तो आप नेचुरल ऑर्गेनिक स्प्रे करवाएं, उसके बाद जो उसकी जो प्रोडक्शन होगी, अच्छा ये जब आपकी प्रोडक्शन हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऑर्गेनिक आलू कर रहे हैं, आलू ऑर्गेनिक टमाटर कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब उसका क्लीनिंग का प्रोसेस आता है ना, फर्स्ट हो गया उसकी प्रोडक्शन हो गया, आपने काट ली, ठीक है, जब क्लीनिंग का प्रोसेस जो प्रोसीजर होता है ना, उसमें लोग अक्सर केमिकल इस्तेमाल करते हैं उसको क्लीनिंग के लिए, साफ करने के लिए, वैक्स कोटिंग कर देते हैं, बिल्कुल, और भी बड़ी चीज़ें होती हैं जिस तरह, और ऊपर से ऑर्गेनिक सब्जियां वगैरह उगाने के लिए हमें एक पूरे प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है, जिस तरह ये नेचुरल चीजें यूज करेंगे तो वो आपको बार बार स्प्रे करनी पड़ेंगी उनकी नरिशमेंट के लिए, तो इसलिए जो सब्जियां हैं
मतलब एक वक्त होता था जब सब्जी आती थी तो दो दिन में इस्तेमाल नहीं की तो वो खराब हो जाती थी। अब तो नजम साहब ऐसे होता है कि जैसे वो वही की वही, जिस तरह वो आपको जैसे कि आपने वैक्स की बात की ना, वो जो प्लास्टिक के लोगों ने टेबल पे रखे होते हैं फल, तो वो ऑब्वियसली प्लास्टिक के होते हैं, वो खराब नहीं होते। उसको ऐसे ही किया जाता है, इनको जब क्लीनिंग किया जाता है ना तो एक जो है प्रिजर्वेटिव है, इसको सोडियम बेंजोएट कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, जितने भी वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, उनको ना थोड़ी देर के लिए पानी के अंदर डिप करके रख देते हैं, उसमें सोडियम बेंजोएट डाल देते हैं। उससे होता है कि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो जितने भी स्टोर्स पे आप देखेंगे 20-20 दिन सब्जियां पड़ी हैं, खराब नहीं हो रही, क्योंकि उनको प्रिजर्व किया, डीकंपोज नहीं होती, फ्रेश रहती हैं। लेकिन अब उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट तो है कि ठीक है वो प्रिजर्व होकर वहाँ पड़ी हुई है, लेकिन उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, बाकी चीज़ें, वो आप वैसे खा रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उसका आगे जाके एक साइड इफेक्ट तो नजर आता है। तो ये वजह है कि आज का जो फल जितने भी आप वेजिटेबल देख रहे हैं वो क्यों इतनी जल्दी खराब नहीं हो रहे, क्योंकि उसको प्रिजर्वेटिव लगा के आगे भेजा जा रहा है। अच्छा, अब ये जब हमारे सिस्टम में जाती हैं चीजें तो क्या होता है डॉक्टर आयशा, अगर आप थोड़ा सा इस पे तबसरा देखें। कोई भी आर्टिफिशियल चीज जब आपके अंदर जाती है, सबसे पहले लिवर और किडनी की बारी आती है, क्योंकि हर चीज ने आपके लिवर और किडनी से प्रोसेस होके बाहर निकलना है। लिवर एंड किडनी कहीं ना कहीं डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाते हैं। किडनी के ख़राब होने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन आजकल अगर हम देखें हर बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं किडनी की शिकायत कर रहा है, जी किडनी की पेन हो रही है, ये मसला हो रहा है वो, और वजह क्या है, एक तो प्रिजर्वेटिव्स, दूसरी जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं जैसे सोडाज वगैरह, उनका इस्तेमाल। तो ये जो जितनी चीज़ों के अंदर कोई प्रिजर्वेटिव डला है या कोई आर्टिफिशियल चीज़ डली है, वो कहीं ना कहीं आपके लिवर और किडनी को डैमेज कर रही हैं। फिर बहुत सारे हार्मोनल इशूज़ की वजह बन रही हैं, वो मेल में भी हैं और फीमेल में भी। फीमेल के ज़्यादा रिपोर्ट इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ी गलत चीज़ है कि इनफर्टिलिटी को हम रिलेट ही फीमेल के साथ करते हैं। दोनों तरफ मसाइल जो हैं वो बराबर शुरू होते हैं, और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से फिर बाकी आपके चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, गर्दन पे काली छाइयाँ, टांगों के दरमियान में काले निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं, आपका फेस ख़राब होना शुरू हो जाता है। ये सब कुछ हो क्यों रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वो चीज़ खा रहे हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, जो कि आपकी कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बनाई ही नहीं गई और नेचुरल है ही नहीं। हाँ, लेकिन आप लोग हैं शेफ, सॉरी हमजा, ये बात तो डायरेक्ट आपके पास ऊपर ही आती है कि आप लोग हैं शेफ्स, जब बनाते हैं रेस्टोरेंट्स में और इस तरह से, तो आप लोगों को तो वही चीज़, मतलब क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ महंगी होती है। बिल्कुल, मैं आप इसलिए लोगों को चाहिए कि जी हमें 1000 रुपये में 3 बर्गर दे दें, तो वो हम ऑर्गेनिक चिकन के साथ नहीं कर सकते। तो अगर हम ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाते हैं या फ्री रेंज की तरफ जाते हैं, जो मतलब सॉफ्टली ऑर्गेनिक होती हैं, मतलब कि इतनी प्रोसेस्ड नहीं होती और उनको एक तरीके से रेज किया जाता है जानवरों को, वो भी महंगा है। तो लोगों को आदतें ऐसी पड़ गई हैं कि वो सेल्फ डैमेज चाह रहे हैं। भाई अब ये देखें ना, ये एक इशू है हमारी सोसाइटी का, हमें चाहिए 10, हमें चाहिए 1000 रुपए की चीज़, लेकिन वो 10 रुपए में। हाँ। तो किस तरह अब हम बना के दें? बिल्कुल, मैं इस पर भी आता हूँ। एक चीज़ मैं ज़रूर क्लियर करना चाहता हूँ कि नेचुरल और ऑर्गेनिक, इनमें भी फ़र्क है। बिल्कुल, ठीक है ना, हर नेचुरल चीज़ उनसे वो ऑर्गेनिक नहीं है। जैसे नजम भाई ने बताया ना कि ऑर्गेनिक की एक डेफिनेशन है कि आपने उसमें प्रिजर्वेटिव बोने से लेके काटने तक, उसके प्रोडक्ट बनाने तक इस्तेमाल नहीं हुआ, वो ऑर्गेनिक कहलाएगी। लेकिन जो हम आम तौर पे कहते हैं कि ये नेचुरल चीज़ है, ऑर्गेनिक चीज़ है, हम गाजर लेके खा लेते हैं, वो नेचुरल ज़रूर है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है। ठीक है, तो ये फ़र्क सबको ज़रूर जहन में रखना चाहिए। दूसरी बात ये आ जाती है कि जैसे शेफ हमजा बैठे हैं हमारे पास, ये लोग कुछ चीज़ों में बहरहाल ऑल्ट्रेशंस कर सकते हैं, ठीक है, ऑयल्स में कर सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से ये लोग जो उनसे हैं मीट में कर सकते हैं, बर्गर जो उनसे हैं ये होल ग्रेन्स के कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो हैं जो कुछ कंपनीज कर भी रही हैं, और मैं थोड़ा सा इख्तलाफ इसलिए करूँगा कि 850-950 तक का लोग बर्गर ले लेते हैं अगर उनको ये पता होता है कि इसमें सारी चीज़ें हेल्दी हैं। पर डॉक्टर साहब, इसकी फिर जो वो 850-950 का है ना, देखिए मैं एक बात बताती हूँ आपको, अगर मैं आपको एक दो रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे जब आप पिज्जा ऑर्डर करते हैं ना, तो आपसे पूछते हैं कि जी आपको होल व्हीट पे चाहिए या वाइट पे चाहिए, और 90% लोग जो वो कहते हैं हमें जी वाइट वाली डो के साथ बना दे, होल व्हीट पे ना बनाए। मैंने एक्चुअली लोगों से पूछा है, क्योंकि हम जैसे लोगों ने इंसिस्ट किया कि जी प्लीज हमें ऑप्शन तो दे, तो मुझे अक्सर वो हंसते हैं और कहते हैं कि जी आप और 4-5 और लोग हैं जो अगर बच्चों के लिए पिज्जा लेते हैं तो कहते हैं जी होल व्हीट ब्रेड पे। टेस्ट डेवलप नहीं हुए हैं ना हमारे, ऑर्गेनिक चीजों के जो डिमांड की मार्केट बहुत लिमिटेड है, 3% लोग होंगे 100 में से जो इसके ऊपर अभी भी स्पेंड करने के लिए तैयार हैं, या जिसको जिनको इनके प्रोज एंड कॉन्स पता है। अच्छा, कैन आई विल वेरी पोलाइटली डिसएग्री एंड आई टेल यू व्हाई। नजम साहब आप बताएं,
अन्नावार आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो चिल्तन प्योर के हैं वो लोग ऑर्डर करते हैं, आपके भी करते हैं, जरा आप बताएं आपको किस किस्म का रिस्पांस आता है? नहीं देखो ऑर्गेनिक का तो बहुत अच्छा रिस्पांस है, लोग आप इस पे शिफ्ट हुए, सफेद सिरके से एप्पल साइडर विनेगर पे आ जाए तो मैं इसको मैं कंटेस्ट करूंगा थोड़ा सा। अच्छा जी जी, एक तो हम अपना केस देंगे फिर आप अपना देंगे, क्योंकि देखिए व्यूअर्स हमने एक फोरम रखा है डिस्कशन के लिए, डिबेट के लिए, हम कोई मंजन यहाँ पे नहीं बेचने आए, हम चाहते हैं कि हम आपको आगाही दें और आप फिर उस हिसाब से फैसला करें आप चाहते हैं। ऑर्गेनिक के जो सही मार्केट डेवलप हुई है ना पाकिस्तान में या बल्कि वर्ल्ड वाइड दुनिया में वो कोविड के दिनों में हुई है। जब कोरोना आया ना तो तब लोग एकदम से शिफ्ट हुए, क्योंकि कोई मेडिसिन तो थी नहीं कोविड से बचने के लिए, तो लोगों ने कहा कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें और नेचुरल ऑर्गेनिक की तरफ जाएं। तो उसके बाद जो एक हाइप आई है सिर्फ पाकिस्तान ही पूरी दुनिया में, वो जो अब ये कंट्रोल से बाहर है, तो इसमें ऑर्गेनिक की बहुत बड़ी मार्केट है। इवन के फूड के साथ स्किन की भी आई है मार्केट, लेकिन फूड की ऑफकोर्स उससे ज्यादा आई है क्योंकि लोगों ने अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करनी थी, केमिकल चीजों से निकलना था। अच्छा थोड़ा सा जो कुछ लोग नहीं शिफ्ट हो रहे वो सिर्फ प्राइस की वजह से, ऑफकोर्स जो ऑर्गेनिक है वो चीज़ें महंगी होती है क्योंकि एक तो उसकी प्रोडक्शन बहुत कम है, एक उसके ऊपर एफर्ट बहुत ज्यादा है, तीसरे में शेल्फ लाइफ कम है, जो फार्मर उसको उगा रहा है उसको बड़ा रिस्क है और प्रोडक्शन भी कम होती है, क्योंकि अगर आपके पास एक एकड़ की जमीन है अगर उसके ऊपर आप कोई और कर रहे हैं 10 मन आपका निकल रही है यील्ड उसकी आ रही है पैदावार, अगर आप ऑर्गेनिक करेंगे हो सकता है कि 7 मन है तो एक फार्मर को वहाँ पे लॉस है। 3 एकड़ जमीन पे मुरिंगा उगा रही हूँ, मुझे पता है कि अब वहाँ पे और कुछ नहीं उग सकता, मुरिंगा का एक टाइम है, वो सिर्फ साल में 2 या 3 दफा आप कट कर सकते हैं, उगता बड़ा तेज है, लेकिन आप फिर लिमिटेड हो जाते हैं टू जस्ट दैट थिंग। बिल्कुल, और अगर आप ऑर्गेनिक करेंगे तो उसकी यील्ड और कम आएगी, और ऑर्गेनिक चीजों ऑर्गेनिक की तो कर रही हूँ कि यील्ड काफी कम है, ये तो ऑर्गेनिक सब्जियां इतनी एक्सपेंसिव 3 गुना अगर उनकी प्राइस ज्यादा है, उसकी वजह ये भी है कि जितनी सप्लाई है उससे ज्यादा डिमांड हो रही है, लोग चाह रहे हैं कि ऑर्गेनिक सब्जियों से खाना बनाएं वो अपने घर में। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग कि 3% जो है वो चाहता भी है और उस और 3% को शायद अवेलेबल हो भी जाती है, अगर 15% और चाह भी रहा है तो उनको पहुंचाए, इसीलिए तो दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ चिल्तन प्योर, नूर बाय जोगन काजिम और इसी तरह जो बाकी ब्रांड्स भी हैं। बाय द वे हम सब ब्रांड्स को सपोर्ट करते हैं जो ऑर्गेनिक और नेचुरल चीजों की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज इससे ही लोगों की हेल्थ और दूसरे मसाइल जो है वो रिजॉल्व होंगे। अच्छा हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद व्यूअर्स हमने आपको फिजिकली प्रॉपर हमने आज ऑर्गेनिक किचन तैयार किया है, देसी चीजें हम बनाएंगे। शेफ हमजा आज का हमारा मेन्यू आज हमारी बहुत ही जबरदस्त कोकोनट बेस्ड एग करी है फ्री रेंज एग्स के साथ, देसी मुर्गी के अंडों के साथ, और साथ हम एक बहुत अच्छा फ्री रेंज चिकन की कढ़ाई बनाएंगे इन देसी घी, बहुत बेहतरीन उसके अंदर मसाला जात इस्तेमाल करके। आई होप दे आर ऑर्गेनिक। कुछ ब्रांड्स हैं जिनके मसाला जात भी ऑर्गेनिक है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी जिंदगी में मॉडिफिकेशन लाके अपनी सेहत को बेहतर कर। अच्छा वेट लॉस और वेट गेन का क्या मसला आ रहा है आजकल, बहुत ज्यादा लोगों को ऐसे करके वेट चढ़ जाता है, जिसम फूल जाता है जैसे लोग कहते हैं, उसका क्या ताल्लुक है, इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे और फिजिकली भी हम आपको चीजें बनानी सिखाएंगे, आप भी हमें आज आप क्या बनाना सिखाएंगे हमें? कुछ हेल्दी स्मूदीज, हेल्दी बालों के लिए, स्किन के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हूं। आज मुझे बड़ी नर्वसनेस है क्योंकि मैंने खुद खड़े होकर टोटके बनाने हैं, तो ब्रेक की तरफ जाएंगे वापस आएंगे और अरोमा थेरेपी पे भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है कि जो लोग गोलियां खा खा के रात को सोते हैं, कोई ज़ैनेक्स ले रहा है, कोई लेक्सोटन ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है सोने के लिए, तो कुछ नेचुरल तरीके भी हैं अपनी नर्व्स को काम करने। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं जब आपने ऑर्गेनिक या देसी चीजें बनानी होती है तो उनको पकने में टाइम लगता है, हम अपनी प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, अब हम अपना देसी मुर्ग कढ़ाई जो हम बड़ी जबरदस्त एक बाद में तड़के के साथ सर्व करेंगे, आज हम देसी मुर्ग कढ़ाई की जगह फ्री रेंज चिकन यूज कर रहे हैं, जिसको हम सबसे पहले सौते करने के लिए डालेंगे, फिर इसमें बाकी सारी चीजें जाएंगी। रेसिपी हम अभी करेंगे या साथ रेसिपी की तरफ मैं आ जाऊंगी, मैंने कहा हम स्टार्ट कर दें। बिल्कुल लेट्स, मैं अभी चिकन को फ्राई करना शुरू करता हूं, आप आराम से मेरे पास आइएगा, तब तक मैं अपना मंजन तैयार जी जी बिल्कुल तो अपना मंजन तैयार करो। अरे मंजन की हम बात कर रहे हैं तो आई वांट टू टॉक अबाउट आवर प्रोडक्ट्स, यहां पे मैं ये जरूर बात करना चाहूंगी, नजम साहब वी हैव गॉट आवर चिल्तन प्योर प्रोडक्ट्स आल्सो बाय द वे,
ऑलमोस्ट सारी जो हमारी रेंज है नूर के प्रोडक्ट्स की, उसी की सिमिलर रेंज जो है हमारे पास चिल्तन में है, बिकॉज ऑब्वियसली चिल्तन मदर कंपनी है एंड देन हमारी ये कोलैबोरेशन है। अगर आप वेबसाइट्स जाके चेकआउट करना चाहते हैं तो यू कैन गो टू www.chiltanpure.com एंड आप चेकआउट कर सकते हैं। आपने ट्राई किए हैं? मैं इस्तेमाल ही करती हूँ, मेरे घर में इस्तेमाल ही होते हैं और मुझे ना तो ये अच्छा एंड द पॉइंट इज नूर के। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि व्यूअर्स हमने कोशिश की है कि हम एक ऐसी रेंज क्रिएट करें जैसे नूर के प्रोडक्ट्स हैं, इसमें जैसे लैवेंडर स्क्रब है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट, राइट। और इसके मतलब ये बॉडी स्क्रब हमने क्रिएट किया, बट ऑब्वियसली हर बंदा नहीं अफोर्ड करता। वैसे तो अगर आप www.noorbyjugan.com पे जाएंगे और चेक करेंगे तो आपको नजर आएगा कि हमारे प्रोडक्ट्स इतने एक्सपेंसिव नहीं। आई थिंक हमारा मैक्सिमम कितने का है एक प्रोडक्ट? 1299 का, और हम मजीद और नूर बेबी भी लेके आ रहे हैं, नूर ऑर्गेनिक जिसमें हमारे डिफरेंट जिस मेंस लाइन भी लेके आ रहे हैं। सो वी आर डूइंग अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स इंशाल्लाह जल्दी। मैं अब आपको कुछ चीजें बनाना सिखाऊंगी। सर इजाजत है जी, जी, म्यूजिक से पहले गाने से पहले उस्ताद से पूछते हैं तो उस्ताद उम्र में छोटा भी हो तो पूछ लेना चाहिए। बिल्कुल जी। अच्छा इधर आए ना आप अपने कोने में, इधर आए मेरे पास। अच्छा और मुझे बताइएगा मैं सही कर रही हूँ कि नहीं, क्योंकि देखिए व्यूअर्स हम सीखते हैं अपने टीचर से, अपने गाइड से, पीपल लाइक फैसल भाई, पीपल लाइक डॉक्टर आयशा, दीज पीपल ये आपको इंस्पायर करते हैं कि भाई आप कुछ बेहतरी की तरफ जाएं। अगर ये लोग कॉन्स्टेंटली गाइड कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल्स पे, डिफरेंट फोरम्स पे कि भाई ये चीज़ करनी चाहिए, तो फिर उस चीज़ को फिर हम फॉलो भी तो करें ना। अगर हम मीडिया में नहीं उसको सपोर्ट करेंगे तो नॉलेज कहाँ तक पहुँचेगी। अच्छा होममेड टोनर, टोनर का क्या बेनिफिट होता है भैया, ज़रा थोड़े से हमारे व्यूअर्स को। टोनर का जो बेसिक बेनिफिट है वो ये है कि आपकी जो स्किन है उसका जो रिपेयर है वो अच्छा होता है, जो डैमेज हो रही होती है सनरेज से उसको रिपेयर करती है, प्लस ये कि ओपन पोर्स को बहुत अच्छी तरह से टाइटन अप करती है। बिल्कुल सही। जब ओपन पोर्स आपके ठीक होते हैं तो फिर आपको वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स का मसला खत्म होना शुरू हो जाता है ग्रेजुअली, तो इसलिए टोनर जो उनसा है वो कहते हैं ना CTM है ना, मॉइस्चराइजिंग टोनिंग और क्लींजिंग, और ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस है जो आपको रेगुलर करना चाहिए। अच्छा हम अभी आपको बताएंगे कि देखिए ये आपने पानी डाल या कोई भी बॉटल, इस तरह की जो स्प्रे बॉटल टाइप होती है उसके अंदर आप इसको डाल सकते हैं, राइट। ये आपने डाला इसके अंदर क्या है उसका नाम, पानी भर लिया आपने अपनी बॉटल के अंदर और इतनी मार्जिन छोड़ दी कि इसके अंदर फ्यू टेबल स्पूंस ऑफ डिफरेंट थिंग्स आप डाल सकते हैं। इसमें आपने अगर आपने एक कप पानी लिया है, राइट, एक कप पानी में आपने 2 से 3 टेबल स्पून जो है एप्पल साइडर विनेगर डाल दिया, ठीक है। ये आपने एप्पल, अब मैं ऑब्वियसली जितनी इसके अंदर बॉटल के अंदर मिकदार है उस हिसाब से हाफ करके बना रही हूँ, ठीक है। उसके अंदर आपने फिर मजीद डालना है 1 टीस्पून शहद का। अब इसके अंदर मैं ऑब्वियसली उसकी बनिस्बत कम डालूंगी बिकॉज बॉटल का साइज हमारा कंपेरेटिवली कम है। हनी आपकी स्किन के लिए बहुत ही अमेजिंग है और इसकी आपने हमेशा बताया कि इसकी एंटी बैक्टीरियल क्वालिटीज भी हैं, ये आपने डाल दिया। अच्छा अब इसके अंदर फाइनली जो एक और चीज़ जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अमेजिंग है वो है एलोवेरा जेल, राइट। तो आपने इसके अंदर एलोवेरा जेल डाल दी। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू वॉन्ट, मतलब हाउ मच यू आर कम्फर्टेबल विद, स्पेशली जिनकी स्किन सन बर्नड होती है। अब ये जैसे कि चिल्तन की प्योर एलोवेरा जेल है। थिंग इज कि आपने जब चीज़ें बनानी भी हैं तो कन्फर्म करें कि आप प्योर और ऑर्गेनिक बना रहे हैं। सो ये अब हमारा एक बड़ा ही सिंपल सा टोनर बन गया। अच्छा एक और चीज़, अगर फॉर एग्जांपल आपने इसमें कोई खुशबू डालनी है, राइट, तो आप इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसेंशियल ऑयल्स डाल सकते हैं जो भी आपको सूट करता है, राइट। सो हमने अब ये क्या डाला, आपने बेसिकली 1 कप पानी लिया, 2 से 4 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर लिया। जब आप इनिशियली टोनर स्टार्ट करें तो 2 टेबल स्पून से स्टार्ट करें और इवेंचुअली आप उसको 4 टेबल स्पून पे ले जाएं। 1 टीस्पून आपने इसमें शहद यानी कि प्योर हनी डालना है एंड देन उसके अंदर आपने एलोवेरा जेल डालना है। ये जी व्यूअर्स अच्छी तरह आपने इसको शेक कर लिया। वंस यू शुक इट प्रॉपरली ये आपका एक बहुत ही सिंपल और अनकॉम्प्लिकेटेड सा टोनर तैयार हो गया। सिंपल है लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स आपने डाले हैं वो बहुत इफेक्टिव हैं, सारे बहुत इफेक्टिव। दैट्स द पॉइंट ना कि आप चीजों को सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड रखें। अब मैं आपको फेस क्लेंजर जल्दी से बताऊंगी। आपने 2 टीस्पून जो है दही डालनी है, ठीक है, मैं मजाक नहीं करिए, ये दुनिया का आसान तरीन और सबसे अच्छा आपका फेस क्लेंजर है।
ये आपके फेस को क्लेंस भी करता है, और जो योगर्ट का लैक्टिक एसिड है और उसके अंदर आपने एक टीस्पून ऑर्गेनिक शहद डाल दिया, राइट? आपने शहद और दही को मिक्स किया। मुझे एक बात नजम साहब ने बड़ी प्यारी एक बार समझाई थी, मैंने कहा हाउ डू यू नो कि कोई चीज़ ऑर्गेनिक है? उन्होंने कहा आपको पता है कि वो चीज़ ऑर्गेनिक है जब आप लगाने वाली चीज़ खा भी सकते हैं। तो ये टोनर भी आप खा सकते हैं अगर आप कंज्यूम करना चाहें। ये जी आपका क्लेंजर बन गया। महंगे महंगे क्लेंजर हम मार्केट से लेते हैं। दही और शहद मिक्स करें और पूरे फेस एंड नेक पे जेंटली रब करें और पानी से वॉश ऑफ कर लें। आई प्रॉमिस यू इससे बेहतर आपको रिजल्ट, ये तो आप सिर पे भी लगा सकते हैं, राइट? ऐसे ही बिल्कुल ठीक। और फाइनली फाइनली जल्दी से एक फेस मास्क मैं बता देती हूँ इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स, राइट? हमारा जो फेस मास्क का तरीका है वो बहुत ही आसान है। मुल्तानी मिट्टी आपने लेनी है, ठीक है? एक टेबल स्पून आपने मुल्तानी मिट्टी ली, राइट? टीस्पून का मतलब एक टीस्पून जो है वो हाफ टेबल स्पून होता है, तो आपने ये डाल दिया, ठीक है? उसके बाद आपने इसमें रोज वाटर डालना है, इसमें आपने लेमन जूस डालना है और आपने इसमें शहद डालना है, और आपका बहुत ही अच्छा सा ये फेस मास्क या आपका फेस पैक तैयार हो जाएगा। तो ये मैं इसको जल्दी से मिक्स करके आपको इसका एंड रिजल्ट दिखाती हूँ। एक टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी, रोज वाटर, लेमन जूस और शहद, और इसकी आपने पेस्ट बना के फेस एंड नेक पे छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद आप इसको वॉश ऑफ कर सकते हैं एंड यू विल हैव एन अमेजिंग रिजल्ट। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको स्मूदीज बनाना सिखाएंगे। व्यूअर्स पता है अपने बेबी को जब आप स्क्रीन पे देखते हो ना, दिस इज माय बेबी। आपको एक बात बताऊं, आपका कोई भी प्रोडक्ट, आपकी कोई भी चीज़, मुझे याद है मैंने शुरू में नजम साहब को कहा, मैंने कहा हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि पता है अपनी किसी चीज़ को सोचना, कंसीव करना एक चीज़ को, फिर उसको ग्रो कर, उसको क्रिएट करना, फिर उसको ग्रो करते हुए देखना, औलाद का भी तो यही एक चीज़ होती है ना। आप सोचते हैं फिर बच्चा एक प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, फिर वो बच्चा पैदा होता है, फिर वो बड़ा होता है, और जब वो कामयाब होता है तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है। तो वही वाली चीज़ है कि हमारी भी एक एक्साइटमेंट का लेवल कुछ और ही है जब हम देखते हैं अपनी चीज़ों को ग्रो करते हुए। अच्छा, ब्रेक से पहले व्यूअर्स एक टोनर आपको बनाना सिखाया, ये फेस की चीज़ें थी। उसके बाद मैंने आपको एक क्लेंजर बनाना सिखाया सिंपल, दही और उसके साथ शहद के साथ, और फिर मुल्तानी मिट्टी के साथ जो हम सब की एक फेवरेट चीज़ है, फुलर्स अर्थ भी जिसको कहते हैं, उसके साथ भी मैंने आपको एक फेस मास्क सिखाया। आगे हेयर की बात करेंगे, लेकिन अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहिबा, नजम साहब, आप दोनों से ये एक सवाल है कि वेट लॉस, क्या वेट लॉस में ऑर्गेनिक चीज़ों का कोई अमल दखल होता है? जी बिल्कुल, देखें ऑर्गेनिक, देखिए वेट लॉस तो आप केमिकल प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, ऑर्गेनिक से भी कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो सही होगा कि आपका वेट जल्दी लॉस होना शुरू हो जाएगा, उसके रिजल्ट्स अच्छे होंगे, कम से कम उसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे। दूसरी जो आप मेडिसिन लेते हैं उसका ये होता है कि आपका वेट लॉस तो हो जाता है, जब वो मेडिसिन आप छोड़ते हैं तो दोबारा आपका वेट गेन हो जाता है। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल जो हर्बल टीज आते हैं, अगर आप उनका इस्तेमाल करें, उसको मैं डॉक्टर आयशा आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगी। मुझे लगता है ऑर्गेनिक चीज़ों का ही तो रोल है। अब ग्रीन टी कितने लोग पीते रहते हैं, जी वेट लॉस कराती है, वेट लॉस कराती है। आप लोगों को ग्रीन टी के रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो ग्रीन टी ही सही नहीं है, वो खालिस ग्रीन टी ही नहीं है। आप लोगों को पता ही नहीं जो आप यूज़ कर रहे हैं वो ग्रीन टी है कि नहीं है। ऑर्गेनिक ग्रीन टी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक लेमन ग्रास का इस्तेमाल करते हैं, तो वेट लॉस होता है। कितने पेशेंट्स मेरे पास आके कहते हैं हम तो ग्रीन टी के 12 कप पी जाते हैं, वेट लॉस नहीं। अच्छा, आपकी वेट लॉस की टीज भी हैं, उसमें है क्या ऐसा? जी उसमें देखिए, एक तो नहीं, मतलब तो क्या चीजें हम उसमें डालते हैं? फॉर एग्जांपल उसमें जो सिट्रस होते हैं वो ज्यादा आपका जो है ना वो जल्दी वेट लॉस करता है। उसमें जैसे कि लेमन है, उसमें ऑरेंज है, इस टाइप इनकी जो पील होते हैं, जो छिलके होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। जिंजर जो इसका अदरक कहते हैं वो उसका इस्तेमाल किया जाता है, वो आप होते हैं फैट बर्नर है। हाँ। तो इस टाइप की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जिससे जो मिक्स टी अजवाइन हो गया, अजवाइन उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हैं वो टी, इनकी जो फिट टी है उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। वो मैंने एक दफ़ा इस्तेमाल की तो वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और उसका जायका बहुत अच्छा है। काफ़ी चीज़ों का वो जिसे कह सकते हैं मिक्सचर है, और उससे मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर फिट टी असल में आजकल गोली मिल जाती है ना, ये गोली ले लें तो 2-3 दफ़ा तो आपका वजन कम, नेचुरली उसमें केमिकल्स बहुत है। व्यूअर्स प्लीज़ फार्मेसी से जाके, आप अक्सर लोग जो है फार्मेसिस्ट के पास जाके कहते हैं कि भाई बताएं वजन कम करने के लिए कोई गोली है, वो जो मिलता है आपको पकड़ा देते हैं, आप उसको यूज़ भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहूँगी,
हमारे वेट गेन की एक बड़ी वजह है दूध पत्ती का इस्तेमाल। एक बच्चा जब पैदा होता है पूरा साल दूध पे जिंदा रहता है, दूध में इतनी कैलोरीज हैं। जब हम चाय के अंदर दूध डालते हैं ना, दूध का कैल्शियम मैग्नीशियम सब जाया हो गया। अब आप हमारी दूध पत्ती खत्म करवाएगी। अब सिर्फ आप कैलोरीज जो है वो ले रहे हैं। अगर आप दूध पत्ती या जो हम घर में दूध वाली चाय इस्तेमाल करते हैं आप उसी को स्विच कर देते हैं लेमन ग्रास के साथ, ग्रीन टी के साथ, फिट टी के साथ, हिबिस्कस टी के साथ या क्लोवर टी के साथ, तो आपको आपका वेट लॉस वहीं से शुरू होना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, अगर किसी को बच्चे को जुकाम है तो उसको स्टेरॉइड्स की स्प्रे करना शुरू कर देते हैं, उसके अलावा नींद नहीं आती तो दवाइयाँ ले लेते हैं। अरोमा थेरेपी का क्या अमल दखल है? आप एक स्पेशलिस्ट हैं इस फील्ड में। देखिए, अरोमा थेरेपी में तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे लेवेंडर है, कैमोमाइल है, जैस्मिन है। अगर सांस का कुछ मसला है तो आप जो यूकेलिप्टस फायदे का जो एसेंशियल ऑयल उसका इस्तेमाल कर लें। अगर जैसे आजकल आपको डेंगू फैला हुआ मच्छर है तो उसके लिए आप आम का, सिट्रोनेला का या लेमन ग्रास का भी आप यूज़ कर सकती हैं, उसका यूज़ करें बनस पर दूसरे केमिकल जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रही हैं। तो एरोमाथेरेपी का तो देखें हर चीज़ में, स्ट्रेस में भी इसका बड़ा रोल है, डिप्रेशन में भी है, स्लीप अगर स्लीप डिसऑर्डर है, नींद का कोई इशू है तो लेवेंडर का इस्तेमाल करना चाहिए। और आपके बाकायदा हैं मतलब एनर्जाइज करने के लिए इंसान को, अगर इंसान को सांस नहीं आता तो ब्रीथ इजी, जिस तरह ब्रीथ इजी वाला जो ऑयल है वो मैं बाकायदा अपने घर में बच्चों से भी, बच्चों के कमरे में भी लगाती हूँ व्यूअर्स, और अदरवाइज भी। जहाँ हम खाने पीने की बात करें यहाँ पे थोड़ा सा हम आ जाते हैं जी। मुझे जल्दी से बताइए वैसे भाई, हम क्या बताना सिखा रहे हैं? अच्छा, एक स्मूदी बताता हूँ आपको, जिसमें आप देखते हैं ना कि स्किन के लिए, बालों के लिए बायोटिन की बहुत बात होती है। हाँ जी, है ना, कि बायोटिन अच्छा है। बायोटिन एज सच तो विटामिन बी ग्रुप का एक वो है इंग्रेडिएंट। दूसरा ये है कि ये नेचुरली कहाँ कहाँ मिल जाता है, आपको बीट रूट में मिल जाता है, शकरकंदी में मिल जाता है, सिंघाड़े में मिल जाता है, मिक्स नट्स में, मिक्स सीड्स में मिल जाता है। अच्छा, ये मिक्स सीड्स ही वो मगज की कॉम्बिनेशन है ना जिसको हम कहते हैं। इसमें तिल भी हैं, फ्लैक्स सीड्स भी हैं, पम्पकिन भी है, काफ़ी चीज़ें। भाई जो लोग अलहदा से नहीं ले सकते, मार्केट में ये इजीली अवेलेबल हैं, चिल्तन कैंट पे फॉर एग्जांपल। जी, अब मेरे पास ये घर में, मैंने जब भी स्मूदी बनानी होती है मैं ये एक टेबलस्पून या एक टीस्पून डाल देती हूं। बिल्कुल, और इसकी सबसे अच्छी बात ये नहीं कि नजम साहब सामने खड़े कि बहुत फ्रेश नहीं, आप तो जब नहीं भी होते हैं तो आप उन्हीं की चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। मैंने बल्कि इनको उतवा का, मैंने कहा आप क्यों चिल्तन प्योर यूज़ कर रहे हैं, कहते हैं कि प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आपको पता है मेरे पार्टनर है काम में, कहते हैं अच्छा अच्छा ये क्या डाल रहे हैं? ये सिंघाड़ा। ठीक है, सिंघाड़ा जो उनसे फुल ऑफ कैल्शियम है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, इसमें जाएगी शकरकंदी। शकरकंदी अगेन बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा, फायदेमंद है। इसके बाद ब्रेक पे जल्दी से जाने, अच्छा चलें। इसमें केला चला जाएगा और ये नट्स जो हैं ये चले जाएंगे और मिक्स सीड्स चले जाएंगे। बिल्कुल, और ये चले गए नट्स। अब इसकी फाइनल शक्ल जो उनसे वो आपको दिखाते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं शेफ हमजा जो है सारा कुछ ही देसी देसी लेके आए, मसाला जात भी जो है आप देखें। अच्छा, आप ऑर्गेनिक हल्दी का कलर जो है ना वो रेगुलर हल्दी से फर्क होता बहुत है। और बड़ा शार्प कलरिंग होती है उसकी। हाँ। और टेस्ट भी थोड़ा पंजेंट होता है जो हम नॉर्मल हल्दी लेते हैं। इसमें दो किस्म की हल्दी आती है, एक रेगुलर और एक आंबा। हाँ। दो किस्म की हल्दी होती है। तो अब हमारी जो देसी चिकन कढ़ाई है इट्स ऑलमोस्ट देयर। इसको हमने क्या किया है कि पहले हमने फ्री रेंज चिकन लिया है अच्छा सा, उसको हमने सौते किया है जब तक वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो गया विथ सम जिंजर, और उसके बाद हमने इसमें 1 kg चिकन के अंदर 1/2 kg टमाटोज डाल दिए। जब टमाटर हमारे विल्ट कर गए, मतलब कि अपना मतलब उनकी जान निकल गई टमाटरों की हमारी कढ़ाई के अंदर, तो हमने इसके अंदर डाला जीरा, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी। तुम देसी खाना ना बनाया करो हमजा, जान निकल गई। मैं तब से इमेजिन कर रही हूं कि प्यास हमारी जब टमाटर ने अपनी बॉडी छोड़ दी और विल्ट कर गया तो हमने उसको अच्छे से फिर थोड़ा सा भून लिया। बॉडी भी छोड़ दी, उसकी रूह भी निकल गई उसके बाद। बिल्कुल जी, ठीक है फिर। अच्छा, अब हमारा जो है ये इस टाइम चिकन जो है इसको हम थोड़ी सी आग तेज करेंगे और इसके फाइनल स्टेप्स की तरफ हम आएंगे। आप अगर मुझे फ्राइंग पैन दे दें, हम तड़का भी इसका बनाएं देसी घी में। अच्छा,
मुझे दूसरी वाली में भी बताए ना अच्छा। क्या हो रहा है इसका तड़के, तो हमने इसका तरीका तो बता दिया। ये हमारी फ्री रेंज, ये मुझे हटाना पड़ेगा थोड़ा। ये हमारी फ्री रेंज एग करी की तैयारी हो रही है, जिसमें हमने ठीक है, जिसमें हमने बॉइल्ड और बॉइल्ड अनियंस की पेस्ट ली, उबले उसको बिल्कुल हाँ, उसको हमने जीरे के साथ अच्छा सा महकदार कर लिया। फिर हमने इसके अंदर ऐड किए टमाटर, और तकरीबन 4 प्याज और 6 से 7 टमाटर हैं, वो भी बिल्कुल प्यूरी की फॉर्म में थे, अगर आप देख सकें ये देखें। और उसके बाद हमने मसाला, नमक, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और ज़ीरा थोड़ा और इसके अंदर ऐड किया, और इसको अच्छे से देखें भून लिया। अगर आप देखें तो ये अच्छे से पक गया है। हाँ जी, वो कहते हैं ना कि वो अगर पेस्ट हो तो वो ब्राउनी है, देखें अच्छा exactly. खासा इसका रंग निकला है। बाय द वे, हर चीज को काला ना कर दिया करें। एग्जैक्टली, खुश रहो। आयशा अक्सर ये बात कहती है कि ओवर कुक करने से भी चीजों की फादियत खत्म हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। और इसके अंदर अब देखिए, अच्छा सब इसको कहते हैं भुना हुआ, ये अच्छा सा भुना गया है, तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, ठीक है, और इसको हम सिमर पे रखेंगे। और उसके बाद कितनी प्यारी उसके कलर की उसकी ग्रेवी बन गई है, ठीक है, इसको हम सिमर पे रखेंगे हल्की आंच पे, और उसके बाद हम बल्कि साथ ही आपके सामने ये स्टेप कर लेते हैं। अच्छा, ये बॉइल्ड एग्स हैं फ्री रेंज, आप चाहें तो इनको एज इट इज भी डाल सकते हैं, और आप इनको हल्का सा फ्राई करके भी डाल सकते हैं, बट मेरे ख्याल से फ्राई करने से एक एक्स्ट्रा तेल और वो चीजें एग्जैक्टली तो ये देखें जी, ये बेहतरीन। इसको अब हम दम पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए, आप इसे कवर करें और मैं इसके तड़के की अच्छा, तरफ इसमें आलू या कोई चीज डालें आप? यू कैन ऐड पोटैटोज, यू कैन ऐड कोफ्ताज, बट दिस इज केरला स्टाइल एग करी, ठीक है। इसके अंदर एक बहुत की इंग्रेडिएंट गया नारियल का बरादा, वो मैं आपको बताना भूल गया था, तो आप देखिएगा। और इसको एंड पे हम इसके ऊपर थोड़ी सी, एक सेकेंड में इसको जरा सा हिला दूं और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूं ताकि ये पकता रहे। चिकन को थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है, और फ्री रेंज हो तो और लगता है। मेथी, बिल्कुल जरा सी मेथी। अच्छा, मेथी हाजमे के लिए इतनी अच्छी है, फॉर एवरीथिंग, और उसमें एक खाने में अगर बट ऑब्वियसली अगर आपके घर वालों को टेस्ट पसंद है, हाँ। एक तो हमने टेस्ट नहीं डेवलप किए ना, बच्चों को जब छोटे होते हैं खाना इस तरीके से बना के देते हैं कि बिल्कुल ही उनको किसी चीज, इसीलिए आजकल के बच्चे कहते हैं बर्गर दे दो, चिप्स दे दो, पिज्जा दे दो, क्योंकि उसमें और बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड और जंक फूड खाने से उनका जो पैलेट है वो बहुत शार्प हो जाता है, उनको बहुत तेज फ्लेवर वाली चीजें पसंद आती हैं। तो अब हम इसको साइड पे करेंगे और इसका तड़का रेडी करेंगे देसी घी में। ये देखें जी, ये आ गया साइड पे, ठीक है। फ्राइंग पैन देंगे आप मुझे, इसको कवर कर दीजिएगा, हाँ जी। और अब हम इसमें देसी घी डालेंगे, बहुत है जी इतना देसी घी, इससे ज्यादा डालेंगे तो शायद मतलब हाँ, बट यू नो इसकी एक अपनी, आपने ये रोज नहीं खाना, This is a weekend dish, but the point is खाना देसी घी में जरूर बनाए, खाना जरूर सरसों के कोलू से फ्रेश निकले हुए तेल का, exactly, cold pressed oils इस्तेमाल करें आप, कोलू के तेल वो बेहतरीन। अब इसमें हम थोड़े से जिंजर की जूलियंस, आप ग्रीन चिलीज चाहिए होंगी मुझे, ये लो, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये बड़ी मजे की हमारी ना कढ़ाई है, ये जो हमारे यहाँ सालन बनता है मुर्गी का, अच्छा, उसका मैं समझी प्याज और वो डालने लगे, नहीं नहीं हमारी पूरी रेसिपी में प्याज है ही नहीं, अच्छा हाँ जिंजर, और इसको जब ये महकदार हो जाएगा मैं ये टोंग्स लूंगा अपने चिमटा, चिम्प्स को हमने चिम्प्स इज अ गुड नेम, चिम्प्स अच्छा, वो आरिफ लोहार साहब भी हैं, गॉड ब्लेस हिज सोल, ही सच अ वंडरफुल मैन। आरिफ भाई का जो चिमटा है ना, जो वो जब कभी लेके आ जाते हैं गलती से, तो मैं उसकी जान ही नहीं छोड़ती, कहती हूं ये मिस्टर चिम्प्स हैं, ये मेरे फ्रेंड है, तो मिस्टर चिम्प्स के साथ तो बाकायदा मेरा एक पर्सनल ताल्लुक है, बेहतरीन। अच्छा जी, अब ये जब ये पकेगा इसके साथ, अब जो हमारा सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है कढ़ाई का वो है ये कढ़ाई स्पेशल मसाला। इसके अंदर है एक बड़ी इलायची, 2 से 3 छोटी इलायची, जीरा और 7 सूखा धनिया, ठीक है, भुना हुआ। तो ये हम इसमें ऐड करेंगे और हम वेट करेंगे कि ये अच्छे से फ्रेग्रेंट हो जाए, ठीक है, ये लें प्लीज। अच्छा, और खुशबू, आई विश व्यूअर्स मैं आपको बता सकती कि इस वक्त खुशबू क्या आ रही है, और ये देखें है? Yes. एक ही कीता है? ये जो आपने देखा है इससे लेमन की खुशबू और टार्टनेस इतना अच्छा टेस्ट देगी, लेट इट बी,
मैंने बीज डालने। अच्छा बाय द वे कहते हैं अगर पेट जो अगर अगर पेट खराब हुआ हुआ है तो नींबू के बीज बड़े यूजफुल होते हैं। अच्छा जाता है अच्छा मैं आपको बताऊं जिस तरह हमारी बात हो रही थी ना ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वगैरह की, तो हम एक पूरी एक ऑर्गेनिक सब्जियों का एक अरेंजमेंट बना के लाए हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ये अभी उस तरफ इस तरफ से ही बात हो सकती है, ठीक है जी। ये थोड़ा सा इसको महकने देंगे हम और फिर हम इसको उधर करके तो देन वी विल कम टुवर्ड्स दी सब्जी, ठीक है। थोड़ा सा और लाइक सेकंड मोर, देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आई नो इट्स वेरी डिफरेंट। या सेन नाउ वील जस्ट ऐड दिस टू द कढ़ाही। लगा सारा मिसाले शिसाले सारा कुछ आ जाए, एक्चुअली मजा तो उसी में। और ये देखें आप, एंड वील ऐड दिस टू द कढ़ाही और इसको हम वापस से चूल्हे पे रखेंगे हल्की हीट पे फॉर लाइक गुड 5 मिनट्स। और इसमें भी हमारी मेथी जाएगी, मेथी आप डालें। अच्छा जी ये देखें ये कितना बेहतरीन हमारी जो एग करी है, ये देखें ये कितनी अच्छी इसमें खुशबू आ गई, ये कलर आ गया है। अच्छा बच्चों को अंडे पराठे के, ये अंडा पराठा जो देते हैं आप सुबह, ये पराठे के साथ ये भी बच्चों को दे सकते हैं। सिंपल इंग्रेडिएंट्स और इट्स लुकिंग वेरी टेम्पटिंग। मेरे जैसा फूडी बंदा जो खुद खाना बनाता है वो भी ये खा लेगा। अच्छा तुम ये खाओ, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। okay, अच्छा, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक पर जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स आई विल टेल यू सम मोर टिप्स एंड देन फैसल भाई ने हमें जो स्मूदी बनाई थी कुछ देर पहले उसके बारे में बताएंगे कि उसको मिक्स आखिर किस चीज से किया था, उन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। सब्जियों के भरमार में मेरे बहुत ही प्यारे भाई डॉक्टर फैसल खड़े हैं जी, बताइए। अच्छा पहले से स्मूदी का बता रहे हैं, इस स्मूदी जो हमने ये बनाई थी इस पे हमने डाला था केला शकरकंदी सिंघाड़े, ठीक है, और उसमें हमने ये वाले मिक्स नट्स भी थे, बादाम अखरोट वगैरह और मिक्स सीड्स भी, ठीक है। इसमें पम्पकिन सीड भी है, चारों मगज भी हैं। अच्छा और बाय द वे वो ऊपर से अगर आपने ना थोड़ा सा उसकी प्रेजेंटेशन प्यारी करनी हो तो आप इस तरह से बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपने कोकोनट मिल्क डाला, कोकोनट मिल्क के साथ हमने इसकी स्मूदी बनाई, ठीक है। तो बहुत ही हेल्दी है, न्यूट्रिशन से भरपूर है, आपके बालों के लिए, स्किन के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए अमेजिंग। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट? अच्छा अब ये हो गई फ्रूट की, अब एक वेजिटेबल्स की आपको बता रहा हूँ, इसके मैं आपको इन्ग्रीडियंट्स बताता हूँ, उसके बाद फिर इसको बनाना कैसे है वो फिर मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें हमने लेना है चुकंदर, गाजर, जुचीनी जिसको हम माड़ू कद्दू कहते हैं, थोड़ी सी मेथी। अच्छा अब इन सब चीज़ों को हमने हाफ बॉईल कर लेना, हाफ बॉईल, ठीक है, और इतने पानी में बॉईल करना है कि उसका पानी हमने वेस्ट नहीं करना, ठीक है। इन सब चीज़ों को हमने ब्लेंडर में डालना है, साथ हमने थोड़े से अनार डालने हैं और उसके बाद इसको हमने ब्लेंड कर लेना है उसी पानी में जिस पानी में हमने इसको बॉईल किया। गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर ये 40 डेज़ रेगुलर पी लिया जाए शाम को लंच के 2 घंटे के बाद तो यकीनी तौर पे आपका हीमोग्लोबिन लेवल ठीक हो जाएगा, आपका स्किन टेक्सचर अच्छा हो जाएगा, आपके बाल शाइनी और हेल्दी हो जाएगा और आपका वेट भी कम होगा व्यूअर्स, यकीनन। बिकॉज होता पता है क्या है, हमारी जिस्म को ज़रूरत है फल और सब्जियों की, 3 fruits and 3 vegetables डेली के आप लें, 3 फर्क फल और 3 फर्क सब्जियाँ। अब होता ये है कि हम कोई आलू की तरकारी बनी है उसको रोटी के साथ खा लेते हैं, कहते हमने सब्जी खा ली, आलू भी एक बहुत अच्छी सब्जी है, उसमें पोटेशियम बहुत ज्यादा है, बट यू हैव टू हैव डिफरेंट वेजिटेबल्स। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि आपका निजाम हजम ठीक होता है, उससे क्या होता है आपका वेट कम होना बिल्कुल हो बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज्यादा है। अच्छा इसी तरह चुकंदर की, क्योंकि अभी हम बालों वगैरह की भी बात कर रहे थे, तो चुकंदर के जो ये पत्ते हैं ये बालों के लिए बेहतरीन चीज है। इसको करें क्या, इसको उबाल के छान लें और शैम्पू करने के बाद जो फाइनल बालों पे आपने पानी डालना है वो चुकंदर के पत्तों का डालना है। Amazing. आपके बाल ना टूटेंगे ना रफ होंगे ना खराब होंगे।
अच्छा आप बालों की बात करें, व्यूअर्स को मैं एक दो बालों की टिप्स बता दूं। मुझसे अक्सर आप लोग पूछते हैं हेयर मास्क के बारे में व्यूअर्स, तो मैं तीन जल्दी से आपको हेयर मास्क बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले तो जो हेयर मास्क है वो नॉर्मल बालों का मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। नॉर्मल बालों के लिए ग्राम फ्लावर, जिसको हम कहते हैं ग्राम फ्लावर, का मतलब ये है कि बेसन, आपने 2 टेबलस्पून जो है बेसन डाले। कोशिश करें कि इस तरह का ब्रश मार्केट में सस्ता सा आपको व्यूअर्स मिल जाता है। इस किस्म के अगर आप ब्रश को ख़रीद लेते हैं तो ये आपको डाई लगाने में भी काम आता है, मास्क वगैरह लगाने में भी काम आता है, ठीक है। आपने ग्राम फ्लावर डाला, उसके अंदर आपने बादाम का तेल। व्यूअर्स प्लीज़ जो प्रोडक्ट्स यूज़ करें मेक श्योर के वो प्योर प्रोडक्ट्स हों। जैसे कि मैं चिल्तन का आमंड ऑयल इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मुझे पता है कि इनके प्रोडक्ट्स प्योर होते हैं, बहुत ही वो जो कहते हैं ना कि साफ सुथरे अंदाज में प्रिपेयर किए जाते हैं और अपनी नेचुरल फॉर्म में होते हैं। अच्छा, आपने डाल दिया 2 टेबलस्पून बेसन, उसके अंदर आपने डाल दिया बादाम का तेल, ठीक है, और उसके अंदर आपने डाल दिया अंडे की सफ़ेदी, सिर्फ अंडे की सफ़ेदी, ठीक है, और ये आपने मास्क जो है आपका रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल मास्क है, और बाय द वे जब आप अंडे की सफ़ेदी डालते हैं ना तो वो जो स्मेल आती है अंडे की, वो जो सर को चढ़ने वाली स्मेल होती है वो नहीं आती। ये आपने अच्छे तरीके से मिक्स करके मास्क जो है अपने लेंथ और एंड्स पे लगा लेना है आधे घंटे के लिए, जिस तरह आप ऑयल लगाते हैं या किसी और चीज़ को लगाते हैं, ठीक है। ये आपने लगा लिया, आपने बालों को अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। ये एक बड़ी अच्छी सी स्मूथ सी पेस्ट बन जाएगी। इसी आपने ब्रश से लेंथ एंड एंड्स पे, स्पेशली अपनी रूट्स के ऊपर भी लगा के आधे घंटे के बाद आपने अपने बाल वॉश कर लेने हैं। ये नॉर्मल बालों के लिए हमने हेयर मास्क तैयार किया है। अब मैं बात करूंगी ऑयली हेयर की। ऑयली बालों के लिए जो है आपको अंडे की जर्दी की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो आपने अंडे की जर्दी डाली और आपने इसमें सिर्फ लेमन जूस डाल दिया। सिर्फ आपने इसमें लेमन जूस डालना है, बिकॉज आई एम नॉट जोकिंग, आपको इसके अंदर ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। लेमन जूस एंड अंडे की जर्दी मिक्स करें और इसको अपनी जड़ों पे, ये सिर्फ आपके रूट्स पे लगने वाली चीज़ है, क्योंकि आपके बालों की लेंथ तो ऑयली नहीं होती, आपके रूट्स यानी कि आपके स्कैल्प पे होता है। तो आपने ये रेडी किया नींबू के साथ, और ये अंडे की जो जर्दी है आपने इसको सर के ऊपर लगा लिया, ऑन योर पूरी की पूरी जड़ों के ऊपर, स्पेशली उस जगह पे जहाँ पे ज़्यादा आपके ऑयल आता है। और उसके बाद 10 मिनट के बाद आप इसको रिंस ऑफ कर सकते हैं, आपको इसको शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिर्फ रिंस ऑफ कर लें, ठीक है। तो पिछली वाली चीज़ में मैंने आपको बताया नॉर्मल हेयर के लिए आप शैम्पू करके इसको निकालेंगे ऐसा मास्क। ये आपने अपने रूट्स के ऊपर, नींबू से ना इसकी स्मेल कम हो जाती है और थोड़ा सा वो आपका जो ऑयलीनेस का एलिमेंट है वो भी सेबेशियस ग्लैंड्स को भी काम डाउन कर लेता है लेमन। फाइनल ड्राई हेयर के लिए आपने क्या बनाना है, आपने कोई भी शैम्पू जो है, वैसे तो नेचुरल ऑर्गेनिक यूज़ करें, जिस तरह मैं अभी नूर का शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। आपने हमारे शैम्पू, और बाय द वे हमारी ये आपने नूर के शैम्पू को डाला, ठीक है, जितना आपने शैम्पू उस वक्त लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो एक अंडा डाल देना है, फुल अंडा। अब आप कह रहे होंगे क्या किया जोगन ने, सीरियसली ये आपने ट्राई करना है, ये ड्राई बालों के लिए है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं और मुझे अक्सर जो है इस तरह करना पड़ता है। इसको मैंने मिक्स कर दिया इसके अंदर, हमारा क्योंकि नेचुरल शैम्पू है नूर बाय जोगन काजिम का, इवन चिल्तन्स शैम्पूज आर कम्प्लीटली प्योर, पैराबिन फ्री हैं, सल्फेट फ्री हैं, केमिकल्स इसमें नहीं है, तो ये आपके बालों को डैमेज नहीं करता। ये आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और इसको आपने ना अपने बालों में, जड़ों में और अपने लेंथ के ऊपर लगा के छोड़ दिया 5 मिनट के लिए। अब आप कहेंगे कि ये लगा लिया तो फिर क्या होगा, बड़ा ही इसका सिंपल तरीका ही है कि आपने लगा लिया, उसके बाद आपने अपने पाँव शाँव की स्क्रबिंग करनी है। हमारे स्क्रब्स बहुत अच्छे हैं मार्केट में अवेलेबल, कोई स्क्रब आपने बॉडी स्क्रब कर लिया उसमें आपके 5 मिनट का टाइम निकल जाता है। उसके बाद आपने अच्छे तरीके से थोड़ा सा उसको रब करके बालों से निकाल लिया पानी के साथ, वो रिंस आउट हो जाएगा और क्योंकि उसमें शैम्पू है तो वो जो अंडा शंडा और वो सारा कुछ है वो निकल जाएगा। तो ये 3 डिफरेंट मास्क हैं, नॉर्मल हेयर के लिए, ड्राई हेयर के लिए और ऑयली हेयर के लिए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपने प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने हैं तो www.noorbyjugan.com पे जाएं और हमारे प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करें। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, हम किचन में आ गए हैं। ये बहुत ही मज़े की जो आपने अंडे की
करी, करी बनाई है बिल्कुल तैयार, और हमारा जो बड़ी मजे की चिकन कढ़ाई है वो भी रेडी है, उसको मैंने कहा डिश आउट हम बिल्कुल एंड पे करेंगे कट्ठे। अच्छा नींबू जो है जो इसके अंदर है वो विद द स्किन आप खा सकते हैं, और जैसे कि फैसल भाई ने कुछ देर पहले बताया और नजम भी बता रहे थे कि किन्नू का छिलका हो गया, ये लेमन का छिलका हो गया, इसमें भी बहुत न्यूट्रिएंट्स एग्जैक्टली आप नॉर्मली हम कितनी बेकिंग और कुकिंग में लेमन जेस्ट यूज करते हैं फॉर द फ्लेवर, इट्स एक्चुअली अ ग्रेट फ्लेवर। नींबू का अचार कितना मजेदार है। एग्जैक्टली, वो भी तो छिलके के साथ खाते हैं ना एक्चुअली, वो जिसको पकाने का तरीका है अगर आप इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे तो इसकी बिटरनेस खत्म हो जाएगी, वो जो कुछ कड़वापन हम हाँ कड़वा कड़वाहट कड़वाहट। अच्छा अच्छा अभी ये कब डालोगे तो मैं ये बस अच्छा ये अब आप डालेंगे व्यूअर चेक करिए ये अच्छा जी थोड़े से हम इसके ऊपर लेमन स्लाइसेस फॉर द एक्स्ट्रा उम्फ क्योंकि हम आज आपके शो पे हैं। उम्फ पाप आके वो बेचारे नहीं नहीं गिना जाए नहीं नहीं ना। अच्छा देखिए सर्व करने का तरीका हाँ। भी और ये हमने साथ में एक रायता भी तैयार किया है बिल्कुल नॉर्मल घर के खाने की तरह इसको आप और ये फ्रेश धनिया हाँ। डाला हुआ है यू नो वेरी नॉर्मल ऑर्डिनरी घर की इस्तेमाल होने वाली चीजों से ये अच्छी सी एग्जीक्यूशन करें और घर वालों को दावत का मजा दें। अमेजिंग, आइए जरा वापस चलते हैं अब हम मेन स्टेज की तरफ। हमजा बहुत कर लिया तुमने कुछ अच्छा, सबसे पहले तो आयशा की सालगिरह है डॉक्टर आयशा की, तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आयशा, हैप्पी बर्थडे टू यू, कुछ मैंने बालों से रिलेटेड टिप्स शेयर की तो जब मैं वापस आई तो नजम साहब ने कहा कि ये बात और ये बात आप ही बता दें, हेयर मर्द औरत दोनों का मसला है, बच्चों का भी है। देखो बालों के लिए जो सबसे बेस्ट है जिसमें मैंने आपको पता है 100+ जो ऑयल्स हैं उस पर मैंने काफ़ी काम किया और मैं अपनी किताब भी लिख रहा हूँ उसके ऊपर, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो मुझे जो सबसे बेस्ट ऑयल लगे जो हेयर के लिए वो ऑनियन ऑयल है, जो प्याज का तेल है जो ऑनियन है वो दी बेस्ट है, उसका पानी भी यूज़ कर सकते हैं, उसके सीड्स का अगर आप ऑयल निकालें तो वो भी ज़बरदस्त है, और दूसरा जो उसके बाद जो बड़ा इन्ग्रीडियंट है वो है फेनिग्रीक मेथी, ये दो एक ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं अगर आप इनके ऑनियन का बना हुआ या ऑयल यूज़ कर लें या इसका शैम्पू इस्तेमाल कर लें या मेथी का शैम्पू या फिर उसके बाद एप्पल साइडर विनीगर जो सिरका होता है वो भी बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि जो भी फंगल इश्यूज़ हैं जो भी बैक्टीरियल अगर आपको इचिंग होती है स्कैल्प पे वो सारी चीज़ें कवर हो जाती है, आपके सेबेशियस ग्लैंड्स जो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं और आपके फिर डैंड्रफ और जड़ों में तेल बहुत ज़्यादा निकलता है और वो दानों की तरह फॉर्म में बन जाते हैं वो भी उसको काउंटर करता है, पीएच बैलेंस को ठीक करता है वो करता है, तो उसके लिए ये बड़ा इफेक्टिव है अगर आप मतलब शावर लेने से 2 घंटे पहले ऑनियन ऑयल लगा दें और उसके बाद आप शावर ले लें और शावर लेने भी आपने फेनिग्रीक मेथी का कोई अगर शैम्पू अगर आपको मिल जाए या कोई एप्पल साइडर का बना हुआ कोई शैम्पू मिल जाए तो वो दी बेस्ट फॉर्मूला। अच्छा उस दिन ना किसी ने रिव्यू किया अच्छा मैं ना एक एक रिव्यू को बड़े गौर से सुनती भी हूँ और क्योंकि हम उसी से अपने आप को इम्प्रूव करते हैं क्योंकि देखिए हम एनिमल ट्रायल्स और इस किस्म की चीज़ें हम क्रुएल्टी फ्री ब्रांड है तो हम किसी के मतलब हम प्रॉपर उनको साइंटिफिकली रिसर्च करके हमारी फार्मासिस्ट जो है हमारी जो डॉक्टर है उन सब लोगों के साथ मिलकर इस चीज़ को करते हैं, किसी दिन आपको अपनी टीम से भी व्यूअर्स मिलाएंगे, लेकिन द पॉइंट इज मुझे किसी ने घूम के याद है आपको मैंने कहा नजम साहब तेल की जो स्मेल बड़ा बड़ी स्ट्रांग है, उन्होंने कहा कि जुगन प्याज का उसमें तेल है, ये जो हमने सारी एक फॉर्मुलेशन बनाई है उसकी एक स्मेल तो है और तेल लगा के वैसे भी कोई बंदा घर से बाहर तो नहीं जाता, आप कुछ कुकिंग कर रहे हैं या घर में मतलब हस्बैंड के सर पे भी आपका हेयर ग्रोथ या एंटी हेयर फॉल ऑयल जो भी आप सिलेक्ट करते हैं उसको सर पे लगा के आधा घंटा नेचुरल जितने भी इंग्रेडिएंट्स देगा प्याज का तेल ऑफ कोर्स में से प्याज की स्मेल तो आएगी, तो ब्रांड्स करते हैं कंपनी से करते हैं उस स्मेल को खत्म करने के लिए कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं, अगर अब उसकी स्मेल तो खत्म हो जाती है लेकिन उसकी जो एफिकेसी है वो भी कम हो जाती है, अगर इसके अंदर हम कोई एसेंशियल ऑयल जैसे ना लेमन ऑयल या ऑरेंज। अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखिए प्याज के तेल की और मेथी और इन सब चीजों की एक स्पेशल मखसूस स्मेल है, ये वो वाली बात है कि अगर किसी के जिस्म से बू आ रही हो और आप उसे कहें कि ऊपर से वो परफ्यूम स्प्रे कर ले तो वो मिक्स होके बड़ी अजीब सी हो जाती है, सो चीज अगर प्योर है तो उसके कुछ तो इस किस्म की चीजें हैं, मेरे ख्याल से स्मेल वो वाला साइड इफेक्ट है जो काबिले कबूल है, ना कि
आपके बाल जड़ों से गिरना शुरू हो जाए और आप गंजे हो जाए। बिल्कुल जी, लेकिन उसमें एसेंशियल ऑयल्स में होता है कि देखें जो एसेंशियल होते हैं हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, तो जरा बच्चों पे हम उसे कम इस्तेमाल करते हैं। तो ये होता है कि हम कुछ ऑयल्स ऐसे बनाते हैं जो सबके लिए होते हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो हमें ये होता है कि एंटी हेयर फॉल ऑयल जो हमारा है, सॉरी नजम साहब मैं आपको बात कट कर रही हूं, हमने इसीलिए बनाया था क्योंकि कोविड के बाद लोगों के बहुत बाल गिर रहे हैं। बिल्कुल, पोस्ट कोविड हेयर बॉल्डनेस तो एक बहुत बड़ा इशू है ही है। आप अर्ली 20s या लेट टीन्स में ही आप उसको फेस करना शुरू कर देते हो। बिल्कुल, तो नहीं उसमें एक और जो सबसे बढ़िया है वो SLS का भी यूज है ना, आप दूसरे जो आम कमर्शियल शैम्पूज है तो उसमें SLS से जो वो सल्फेट का यूज हो रहा है। अब जो हमारे शैम्पू SLS फ्री हैं उसमें सल्फेट नहीं है, सबसे ज्यादा हेयर फॉल होता है उनसे है। लेकिन अपना इशू एक ये इशू तो नहीं, एक फीडबैक लोगों की तरफ से आता है कि जी झाग नहीं। अब लोगों को समझाना पड़ता है कि जो जो चीज़ें झाग बना रही हैं, बल्कि जो शैम्पू जितना झाग बना रहे समझ है उसमें उतने ज्यादा केमिकल डले हुए हैं, तो नेचुरल शैम्पू की झाग बहुत कम होती है। ये तो मैंने भी आपको कहा था कि शैम्पू की झाग आपकी ही फीडबैक थी और दो तीन और लोगों ने मुझे प्राइवेटली DM किया। देखिए व्यूअर्स, नेचुरल चीज में उस लेवल की झाग नहीं बनती, बाल आपके फिर भी साफ हो जाते हैं। हमारे दिमाग में ये खन्नास एक चीज घुस गई है कि जब तक झाग नहीं बनेगी तो साफ साफ नहीं होगा। जब हम क्लेंजर यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने अभी आपको शहद और दही का बताया, उसमें तो कोई झाग नहीं बननी, बट आप उसको जब अपने मुंह को अच्छी तरह क्लेंज करेंगे उससे अच्छी तरीके से और पानी के छट्टे मारेंगे, आपका बिल्कुल साफ हो जाएगा। वो कौन सा आपके मुंह पे चिपका रहेगा? पानी इज गुड इनफ क्लीन करने के लिए। सोप्स हम इतने हार्डकोर, इसीलिए तो हमने अपने बॉडी वॉशेस बिल्कुल शुरू में बनाए थे और फिर हमने डिफरेंट बनाया, एक लैवेंडर बनाया, एक सिट्रस बनाया है और उसके अलावा हमने लैवेंडर सिट्रस एंड रोज एंड रोज 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 हाँ ये हमने क्यों बनाए कि भाई डिफरेंट स्मेल डिफरेंट और डिफरेंट अरोमा, तो साबुन ना इस्तेमाल करो। बिल्कुल बिल्कुल, बॉडी पे वो से ज्यादा होता है क्योंकि वो बॉडी को ड्राई कर देती है, उसके बाद दोबारा फिर उसको डिहाइड्रेट करने के लिए, हाइड्रेशन के लिए फिर आपको मॉइस्चराइजर लगाने पड़ते हैं, फिर उसको कवर करना पड़ता है क्योंकि जब स्किन ड्राई होती है तो वो ज्यादा डैमेज करते हैं। बाल भी अगर बहुत ड्राई हो तो ही गिरना शुरू हो जाता है। अच्छा, आप सबसे अब मेरा एक सवाल है क्योंकि इसके बाद एंड में जाके मैंने आपको तीन और टिप्स व्यूअर्स देनी है ऑन एयर के हम और क्या नेचुरल चीजें घर पे ही बना सकते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव होता ना व्यूअर्स के सिर्फ आप चिल्तन के प्रोडक्ट्स खरीद लें या जुगन के प्रोडक्ट्स खरीद लें तो फिर हम आपको टिप्स ना बताते। टिप्स का रीज़न ही ये था कि आपने नहीं प्रोडक्ट्स खरीदने, आपके लिए नहीं कन्वीनियंट, तो आप घर पे भी ये चीज़ें बना सकते हैं, हम भी इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके और उनमें नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स डाल के, नेचुरल नेचुरल कलर, नेचुरल हर चीज़, फ्रूट ग्रेड जो खाए जा सकते हैं उस लेवल की चीज हम डालते हैं कि वो खाने में भी सेफ है और उसको लगाने में भी सेफ है, तो इस वजह से हमारे प्रोडक्ट्स लंबा चलते हैं। घर पे जब आप ये चीजें बनाते हैं उसका सिर्फ ये इशू आता है कि वो एक सर्टेन टाइम से ज्यादा नहीं चलती, कोई चीज है वो चार दिन से ज्यादा नहीं आप रख सकते, कोई दस दिन से ज्यादा नहीं रख सकते। नेचुरल हर्बल ऑर्गेनिक की तरफ जाएं, बेहतरीन ऑप्शन है। ब्रेक के बाद आएंगे, फाइनल थ्री टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैंने तो खैर और बहुत सी चीज़ें आपको बनानी सिखानी थी, किसी और दिन सिखाऊंगी, बट सिर्फ बॉडी स्क्रब एक ऐसी चीज़ है, आजकल बहुत ज़्यादा लोग कंप्लेन करते हैं स्किन में ड्राइनेस बहुत आ रही है, डेड स्किन बहुत हो रही है, तो लोग क्या करते हैं कि ऊपर मॉइस्चराइजर लगाते जाते हैं। ज़रूर लगाएं मॉइस्चराइजर, लेकिन उस डेड स्किन के तय या लेयर को उतारना बड़ा ज़रूरी है। उसका तरीका बहुत सिंपल है। अब मैं जो आपको स्क्रब बताने लगी हूँ ना, बहुत ही आसान है। मेजर कंपनीज इतने महंगे महंगे बेचती हैं, आप भी आराम से घर में बना सकते हैं और ये लास्ट भी लंबा करता है। अच्छा, आपने करना ये है कि आपने ऑयल डालना है, ठीक है, उसके अंदर आपने ब्राउन शुगर डाल दें या वाइट शुगर डाल दें, इट डजेंट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि चीनी की एक वो चीज़ है, क्योंकि आपने ये खानी नहीं है इसलिए मुझे टेंशन नहीं है, वरना आपको पता है कि मैं हमेशा मना करती हूँ चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। बेस पे ऑयल डाला, ऊपर से भी आपने इस तरह करके ऑयल डाल दिया, ठीक है, एंड उसके अंदर कोई भी अपना फेवरेट एसेंशियल ऑयल डाल दें। मुझे लैवेंडर इज़ माय फेवरेट स्मेल, इट्स वन ऑफ द फर्स्ट वो जो कहते हैं ऑयल्स, 5 ड्रॉप्स मैंने इसके डाल दिए हैं, राइट। सो मैंने आमंड ऑयल डाला है चिल्तन का, राइट, एंड मैंने चिल्तन प्योर का ही लैवेंडर ऑयल डाला है। इसको आपने डाल के इस तरह से मिक्स कर दिया एंड यू आर गुड टू गो। अच्छा, अगर आपकी स्किन पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दाने शाने बहुत ज़्यादा निकलते हैं तो उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स आपने ये टी ट्री ऑयल के डाल देने, इसी तरह 5-6 ड्रॉप्स आपने डाले और उसको आपने मिक्स कर दिया। ये स्क्रब जो है आपने बना लिया, ठीक है। अब देखें ना, ये ज़रा सा ऑन द ड्राई साइड जा रहा है, आपने जितना उसको बनाना है, इसको आपने बेसिकली हाथ में लेके ऐसे ऐसे करके ना, जिस तरह हवा में हाथ नहीं
आपका घूम रहा होता ऐसे 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 करके जेंटली बॉडी के ऊपर, ये आपकी बॉडी के लिए बड़ा आइडियल है। बच्चों को भी आप इससे स्क्रब कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आप टी ट्री ऑयल अवॉइड कीजिएगा क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ओवर सेंसिटिव होती है। और ये देखें आपका एक बड़ा इजी सा स्क्रब, ये आपने ऐसे रखा, ये आपको आराम से महीना डेढ़ महीना लास्ट कर जाएगा क्योंकि इसमें ऑयल है, शुगर है, ये खुद नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स का रोल अदा करते हैं। अच्छा नज़म साहब, फाइनली आई वांट टू टॉक अबाउट, आप क्या हमारे व्यूअर्स को एंड में कहना चाहेंगे? मैं लोगों को ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि जिस तरह देखें आप किचन को टाइम देते हैं, कुकिंग में इतना टाइम स्पेंड करते हैं, तो सेम जिस तरह आपने देखा कि स्किन केयर की जो रेमेडीज मैडम जुगा ने बनाई है, तो इस तरह की भी चीज़ें आप घर में खुद भी बना सकते हैं डिफरेंट ऑयल्स के साथ, डिफरेंट एसेंशियल ऑयल्स के साथ, एग के साथ, दही उन्होंने इस्तेमाल की, शहद यूज़ की, ये सारी वो चीज़ें जो आपके किचन में अवेलेबल है, तो इनके से यूज़ करके इस तरह के आप अगर आपको चीज़ें लग रही हैं क्योंकि चीज़ें महंगी हैं बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो आप घर में भी इस तरह की रेमेडीज़ बना के यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा है कि अपने लाइफ स्टाइल को टोटली जो आप शिफ्ट कर दें ऑर्गेनिक नेचुरल पे, ये थोड़े से आपको शुरू में महंगे तो लगते हैं लेकिन आगे लाइफ टाइम के लिए इसके लिए बड़े फ़ायदा होता है। दुनिया के एक बड़े मशहूर है डेविड वुल्फ, और वर्ल्ड वाइड बड़े मशहूर ऑर्गेनिक एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने एक दफ़ा किसी ने उनको कहा कि ऑर्गेनिक आर वेरी एक्सपेंसिव, तो उन्होंने जवाब दिया कि इफ़ यू थिंक ऑर्गेनिक आर एक्सपेंसिव देन वेट फॉर द कैंसर, कि अगर आपको लगता है कि उन्होंने एक एग्जांपल थी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की थी कि अगर आपको लगता है कि ऑर्गेनिक इतने महंगे, तो जो बीमारी जो डिजीज़ आपके ऊपर आ रही हैं, तो उनके जो बिल्स हैं, जो मेडिकल के बिल्स हैं, जो हॉस्पिटल्स के बिल हैं, उनको अगर आप कंपेयर करें तो आपको महंगे लगेंगे। कि मैं अगले लेवल पे बात पे लेके जाती हूँ। व्यूअर्स, आप लोग इतने पैसे खर्च करते हैं अपने घर को डेकोरेट करने पे, महंगी गाड़ियां लेने पे, मोटरसाइकिल आपने लिया है तो उसको भी आप स्प्रूस अप कर रहे हैं, कपड़े महंगे लेने, जूते, तो जिस जिस्म के अंदर आपने सर से लेके पांव तक की जो आपकी बॉडी है, बाल है, चेहरा है, हाथ है, पांव है, आपका निजाम हजम है, इन सब चीजों के साथ आपने सारी जिंदगी गुजारनी है, तो क्या आपके अपने जिस्म की इतनी वर्थ नहीं है कि आप उसके ऊपर एक प्रॉपर चीज इस्तेमाल करें? कैंसर तो एक अगला स्टेप है, उससे पहले तो ये बात मुझे बताएं सर कि इज इट, हम क्यों अपनी ही जान के दुश्मन बने हुए हैं, खुद केमिकल्स यूज करते हैं, बच्चों को भी केमिकल चीज इस्तेमाल कराते हैं, आगे जाके अल्लाह माफी दे बीमारियां आती है तो हम परेशान होते हैं। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो रब ताला की तरफ से आती हैं, वो हमारी आजमाइश होती हैं, हमने उनको बर्दाश्त करना है पेशेंस के साथ। लेकिन व्यूअर्स प्लीज, जो चीज आप नेचुरली काउंटर कर सकते हैं उसे करें। हमारे प्रोडक्ट्स की जल्दी से ये बताना चाहूंगी कि व्यूअर्स, चिल्टन प्योर की एक बहुत ह्यूज रेंज है, www.chiltonpure.com पे जाएं, चेकआउट करें, आपको इनकी सारी रेंजेस, खाने पीने की चीजें हो गई, लगाने की चीजें हो गई, बाल हो गए, स्किन हो गए, मैनिक्योर, पेडिक्योर, आई मीन एवरीथिंग, एसेंशियल ऑयल्स, हर चीज है, सप्लीमेंट्स, इट्स ऑल अवेलेबल। नूर बाजुगन काजिम, इस वक्त हमारे पास स्किन केयर एंड हेयर केयर के एंड बॉडी केयर के एक ह्यूज वैरायटी ऑफ रेंज है, मजीद और चीज़ें भी लेके आ रहे हैं, ऑर्गेनिक खाने की, टीज, वेट लॉस, ये वो, इन सब चीज़ों की तरफ भी हम जाएंगे। लेकिन इस वक्त जैसे कि हमारे सिरम्स हैं ऑफ वेरियस डिफरेंट काइंड, आपने देखा कि मार्केट में इतने महंगे महंगे विटामिन सी सिरम आपको मिलता है, लैक्टिक सिरम मिलता है, ग्लाइकोलिक सिरम है, अभी हाइड्रोकोलिक सिरम भी हम लेके आ रहे हैं और दो तीन और लेके आ रहे हैं, ये हमारे बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे www.noorbychugan.com पे अवेलेबल हैं। Then we have our hair serums, we have our anti-aging, anti-acne, face glow serums. हमारे face glow serums आपकी skin को brighten करते हैं। हम whitening के खिलाफ हैं as a company, हम brighten करने की तरफ जाते हैं because we believe कि अपनी natural skin tone को आप निखारें, उससे आप जी उससे आपकी स्किन इम्प्रूव होती है, इम्प्रूव होगी। वी हैव गॉट फेस वॉशेस, हमारे पास दो साइजेस हैं, जैसे कि पॉकेट साइज है, जैसे कि मैंने एक तो अपनी एक यूट्यूब के लाइव सेशन में भी कहा था कि साइमा ने मुझे कहा, हमारा बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो हमारी पूरी टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, साइमा ने मुझे कहा इतना छोटू सा है, मुझे इस पर इतना प्यार आया। मैंने कहा बेटा तुम इसको गोद ले लो, अब मैं क्या करूं, तुम्हारे छोटू सा प्यारा सा ये भी है। देन वी हैव द बिगर साइज टोनर्स, वी हैव गॉट बॉडी वॉशेस, आई डोंट वांट यू टू यूज साबुन, मेरा ना करें यूज, किसी और का कर लें, लेकिन नेचुरल प्लीज बॉडी वॉशेस पूरे जिस्म पे आपके लगता है। ऑयल्स हैं हमारे, डिफरेंट मसाज ऑयल्स हैं। देन वी हैव गॉट द क्रीम्स की रेंज, वी हैव गॉट एंटी हेयर फॉल एंड हेयर ग्रोथ शैम्पूस एंड उसका कंडीशनर, उसके साथ साथ जो ऑयल्स जिनकी हम बात कर रहे थे, अच्छा एक्नी का जिनको बहुत प्रॉब्लम है, वी हैव गॉट द एंटी एक्नी जेल ऑल्सो, जो लिटरली विद इन वन और टू डेज आपके दानों को बिठा देती है। बॉडी लोशंस फेस एंड बॉडी पे लग सकते हैं, टिंट्स हैं, लिप बाम्स हैं, वी हैव लॉट्स ऑफ स्टफ, सो प्लीज www.noorbychugan.com। और जी
चिल्तन प्योर को भी चेकआउट कर लीजिएगा www.chiltanpure.com डेफिनेटली चेक देम आउट एंड लेट अस नो और प्रोडक्ट्स को एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा मेरी रिकमेंडेशन पे अगली बार आप लोगों को रेकमेंड करेंगे ये हमारा वादा है एंड थैंक यू सो मच टू आवर अमेजिंग अमेजिंग पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स टुडे फैसल भाई के बगैर तो हमारा वैसे ही सब कुछ इनकम्प्लीट है वैसे भी फैसल भाई अनकरीब चिल्तन प्योर के साथ अपनी कोलैबोरेशन अनाउंस करने वाले हैं इंशाल्लाह मैं कर दूं आप कर दें आयशा नासिर तो बहुत ही प्यारी हमारी ब्रिलियंट कहीं पे भी कोई मसला होता है न्यूट्रिशन का इनसे हम बात करते हैं गॉड ब्लेस यू आयशा एंड देन मेरा प्यारा सा भाई जो हर मौके पे हमारा साथ देता है बिल्कुल हमेशा देते रहेंगे और आपके साथ जो आपके असिस्ट कर रहे थे उनका नाम अवैस का मुस्तफा ओह सॉरी मोहम्मद मुस्तफा सॉरी थैंक यू मुस्तफा गॉड ब्लेस यू आल्सो सबका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारा प्रोग्राम देखने का और हमें बर्दाश्त करने का अपना ख्याल रखिएगा खुदा हाफिज़